मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा के मित्तल ग्राउंड के पास आज अचानक DG1 इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में आग लग गई। ये आग शोरूम में आज दोपहर करीब 1:30 बजे के दौरान लगी। बताया जा रहा है कि आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट है। DG1 शोरूम में शॉर्ट सर्किट हुई और शोरूम के कर्मचारी कुछ समझ पाते आग ने विकराल रूप ले लिया। इसकी जानकारी मुंब्रा फायर ब्रिगेड को दी गई और फायर ब्रिगेड के जवान वहां पहुंच गए। DG1 शोरूम से लगकर एक इमारत है जो 5 से 6 मंजिला है। कोई बड़ा हादसा न हो एहतियात के तौर पर इस इमारत को भी खाली करा लिया गया था। फायर ब्रिगेड की लगभग 5 से 6 गाड़ियां आग बुझा रही थीं, मगर इस शोरूम से काले धुएं निकल रहे थे। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे थे, मगर धुआं ज़्यादा होने की वजह से आग बुझाने में काफ़ी दिक्कत आ रही थी, जिसके बाद इमारत के पीछे के हिस्से की दीवार तोड़कर फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने आग बुझाने की कोशिश की। पीछे की तरफ जो कर्मचारी आग बुझा रहे थे वहां काफ़ी खतरा था, क्योंकि इस शोरूम में फ्रिज, वॉशिंग मशीन, LED TV इत्यादि बेची जाती थी और पीछे की तरफ फ्रिज थी जिसका कंप्रेसर कभी भी फट सकता था। मगर फायर ब्रिगेड के जवानों ने इस आग पर काबू पाने के लिए घंटों मेहनत की। इस दौरान फायर ब्रिगेड का एक कर्मचारी मामूली रूप से घायल भी हो गया है। आग लगने की वजह से शोरूम में रखे TV, वॉशिंग मशीन, फ्रिज जल गए हैं और कई लाख रुपए का नुकसान इस आग में हुआ है। फिलहाल फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। इस आग में किसी की जान नहीं गई, ये सबसे अच्छी बात रही। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है, मगर ये जांच होने के बाद ही पता चलेगा कि आग कैसे लगी। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।